पर वैसे मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। ऐसी मुस्कुराती हुई नाराजगी मंजूर है मुझे। अरे ध्रुव कहाँ है? एक तो पहले इंतजार कराया और फिर अब यहाँ आकर मेरे सामने नहीं आ रहा है। ध्रुव बेटा आ जाओ, आप तुम्हारी माँ से अब और इंतजार नहीं होगा। मम्मी जी ध्रुव नहीं आए। नहीं आया? लेकिन क्यों? माँ जैसे ही हमने पापा की तबीयत के बारे में सुना हम इमीडिएटली वहां से चले आए, पर ध्रुव का फैक्ट्री का कुछ काम रुका हुआ था तो मैंने उसे वहां रुकने के लिए कह दिया। ध्रुव तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि पापा का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं वहां पर तो वो मान गया। चलो चलो पहले पापा से तो मिल लो। आओ। पापा कैसे हैं आप? बच्चे घर आ गए? मैं ठीक हो गया। खुश रहो, बहुत मेहनत कर रहा मेरा बेटा वहां। हाँ ठीक तो है ना? जी पापा जी, ध्रुव बिल्कुल ठीक है। माँ हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे, आप यहाँ अकेली पड़ गई थी ना? मैं अकेली कहाँ थी बेटा, अंतरिक्ष ने अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल की, बेटा होने का पूरा फर्ज निभाया इसने। दीदी काजल को वेदिका से तो मिलवा। हाँ वेदिका, मैंने तुम्हें काजल से नहीं मिलवाया। आओ बेटा काजल, यह है अंतरिक्ष की बीवी और मेरी बहू काजल। वेदिका, तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुन चुकी हूँ, लगता ही नहीं कि जैसे मैं पहली बार मिल रही हूँ। बस अब तुम्हारा ध्रुव से मिलना बाकी है। वो हांगकांग से लौटा है तो हम सब मिलकर तुम्हारी शादी की सेलिब्रेशंस करेंगे घर में। अब तुम लोग भी जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे पापा का रेस्ट का टाइम हो गया है। इतनी देर से मैं चुपचाप खड़ी ये तमाशा देख रही हूँ, ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या नाटक चल रहा है। ध्रुव तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये रुद्र कहता है कि वो हांगकांग में है, और ये वेदिका, इसने पति के मरने के बाद ये कैसा रूप बना रखा है? मांग में सिंदूर, बदन पर लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र। चलो देखती हूँ ये रंगों भरा नाटक कितने दिन तक चल रहा है।